हाय गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू जो 22 जून को हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे पास मिले हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आइए चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो उत्तर प्रदेश की एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कथक। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक, हालांकि आप लोग जानते हैं कि कृषि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है, लेकिन इसमें पूछा है कि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है, तो वो है हथकरघा उद्योग। अगला जो है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है जो वो 19 करोड़ है 98,12,000 और 341, तो 19 करोड़ 98,12,000 341 ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, एक तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बन गया ये क्वेश्चन, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, तो वो 16.51%। अगला जो है, जनसंख्या घनत्व कितनी है। जनसंख्या घनत्व तो आपको उत्तर प्रदेश की बतानी है, तो वो 829 जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किमी। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लाइफ बदल सकते हैं। आप सारे वीडियो को ये पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय इंटरव्यू में। आइए आगे चलिए देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग नए लोग हैं या फिर नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप तक पहुँचने वाले मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। चलिए देखते हैं कुल कितने ग्राम हैं। उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड पूछा गया है, तो कुल उत्तर प्रदेश में कुल कितने ग्राम है, तो वो है 1,06,774 ग्राम है। अगला जो पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है। जब मंडलों की संख्या पूछा जाता है तो वो उत्तर प्रदेश की 18 है। और एक बात ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर मंडलों की संख्या पूछा गया है, तो जरूर समझिए कि जहाँ तक हो सकता है अधिकतम टाइम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर ओ के जगह पर ड लिखा गया है, कोई बात नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या क्या है, 75 है। अगला जो पूछा गया था प्रश्न, वो राजनीति शास्त्र से पूछा गया था, मौलिक अधिकार में क्या क्या आता है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताना है कि मौलिक अधिकार में क्या क्या आता है वो आप बताइए। तो पहला जो आता है, समता का अधिकार होता है, जिसमें सभी चीज़ के लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए सब सारे वर्ग के लोगों के लिए। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यदि आप पर किसी कोई शोषण कर रहा है तो उसका आपको अधिकार है। और अगला जो है, उपाधियों का अंत है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता का, ये वाक की स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है, इसे प्रेस की स्वतंत्रता के भी नाम से जानते हैं। अगला जो है, अस्पृश्यता का अंत, प्राण दैहिक स्वतंत्रता। तो ये सब जो है कि मौलिक अधिकार जो भी हैं, इनमें से आप दो तीन बता सकते हैं, दो तीन भी बताइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा अधिकार बताना स्टार्ट कर दीजिए। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा तो आप दो तीन बता दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है, रूस से लिया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, वो वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में आता है। वित्तीय आपात के बारे में कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, वर्णन किया गया है, वो है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 370 के लिए किसके लिए है, अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू एवं कश्मीर के लिए है।
कूलाम का नियम बताइए, ये साइंस से क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि जो इंटरव्यू दिया था वो समझिए कि बीटेक किया हुआ लड़का, ये जो क्वेश्चन मुझे बताया वो बीटेक किया हुआ लड़का है जिससे ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं विज्ञान के क्वेश्चन। तो वो देखिए क्या है, कूलाम का नियम पहला तो पूछा गया था, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के मध्य के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कूलाम ने एक नियम जो दिया वो किन्हीं दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हो गया, Q1 हो गया और Q2 हो गया, Q2 हो गया कि मध्य लगने वाला, इसके मध्य में जो लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल F है वो उनके आवेशों के गुणनफल के, इनके भी आवेशों के, ये दोनों आवेश हैं इनके गुणनफल के समानुपाती होता है तथा आवेशों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका जो सूत्र है वो है F बराबर, यहाँ देखिए छूट गया थोड़ा सा, यहाँ F बराबर हो जाएगा F बराबर 1/4π ε₀ Q1 Q2 अपन R2। ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला पूछा जाता है अक्सर। हाँ, आगे चलिए देखते हैं। तो 1/4π ε₀ का मान क्या होता है, वो मान होता है 9×10⁻⁹, 9 कूलाम होता है, ये याद रखिएगा जरूर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि वो बीटेक किया हुआ लड़का था तो उससे इलेक्ट्रिकल ट्रेड से किया हुआ था, तो उससे ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे जो इलेक्ट्रिकल से भी संबंधित हैं और फिजिक्स से भी संबंधित हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र तथा इसके लंबवत क्षेत्रफल का गुणनफल क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स होता है। मतलब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र तथा इसके लंबवत जो क्षेत्रफल का गुणनफल है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया, चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया और ये ए आपका क्षेत्रफल हो गया, इसके लंबवत क्षेत्रफल, इन दोनों का गुणनफल जो है वो आपके चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। या फिर यहाँ पर देखिए, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दर्शाया गया है और बी है जो चुंबकीय क्षेत्र है और ए है क्षेत्रफल, बी चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो जाएगा फाई अपॉन ए, मतलब कि वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो धारा किसे कहते हैं, तो धारा सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध किसे कहते हैं ये आपको बताना होगा। तो पदार्थ का वह गुण, ये सब जो क्वेश्चन है वो समझिए कि फिजिक्स सेकेंड, इंटरमीडिएट में फिजिक्स सेकेंड में भी है, तो ये भी पूछा जा सकता है, आप लोग से भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि बीटेक वाले से ही ये सब पूछा जाए, सिर्फ आपसे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में धारा प्रवाह का विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। मतलब पदार्थ का ऐसा गुण जो किसी तार में मान लीजिए कि धारा बह रहा है तो उसका विरोध करने वाला जो भी युक्ति हम लगाएंगे वो प्रतिरोध कहलाता है। जैसे प्रतिरोध को इस तरह से डिनोट करते हैं, ये प्रतिरोध हो गया, इसका मात्रक ओम होता है, आर बराबर आर प्रतिरोध है और भी वोल्ट है और विभवांतर वोल्ट में और आई करंट है, तो आर बराबर भी अपॉन आई ओम। ट्रिपल सी का पूरा नाम हिंदी में बताओ, ट्रिपल सी का इंग्लिश में तो नाम जानते हैं कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, लेकिन हिंदी वाले नाम कम ही लोग जानते हैं क्योंकि ये नाम फंसाने वाला है, थोड़ा उल्टा सीधा नाम पड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं, संगणक पर आधारित पाठ्यक्रम, ट्रिपल सी का हिंदी नाम है। हाँ, एक नोट ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चलने वाली योजना के बारे में प्रतिदिन प्रश्नोत्तर पूछा जा रहा है, परंतु मैंने उन योजनाओं को अपने वीडियो में शामिल नहीं किया है क्योंकि सारी योजनाओं का मैंने अलग से वीडियो बनाकर डाला हुआ है, जिसे आप लोग मेरे वीडियो में जाकर देख लें। और मैं इसका जो वीडियो यूपी योजना का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप आसानी से भी देख सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए कैप्स लॉक का क्या कार्य होता है।
तो कैप्स लॉक जानते हैं कि कंप्यूटर में एक की होता है जो शिफ्ट के ऊपर होता है, तो शिफ्ट के ऊपर होता है और जो टैब की होता है उसके नीचे होता है कैप्स लॉक। यह कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में तथा स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में करने का कार्य करता है। अगर मान लीजिए कि स्मॉल लेटर में पहले से ही आपका सेलेक्ट है तो उसे कैप्स लॉक दबाकर आप कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। और फिर अगर आप उसे फिर से कैप्स लॉक दबा देते हैं तो स्मॉल लेटर में टाइप करना शुरू कर देते हैं। तो वही है, यह कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर तथा स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में करने का कार्य करता है। अगला जो है, कंप्यूटर को बंद करने का शॉर्टकट की कौन सा है? तो कंप्यूटर को बंद करने का शॉर्टकट की Alt प्लस F4 है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला जो मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है, 432 का 6 सही 2/3% कितना होता है? हालांकि मैंने ये सब मैथ के जो भी क्वेश्चन है उसे मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये सॉल्व आप करेंगे और आंसर हमें बताएंगे ताकि मैं बताऊंगा कि यार ये क्वेश्चन का आंसर आपका सही है या नहीं। हालांकि ये जो भी क्वेश्चन है मैथ का वो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। अगला जो पूछा गया था क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होंगे? तो यहाँ पर ए की आय आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन मैथ से पूछा गया, दो संख्याएं 3/4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। मान लीजिए दो संख्या ये 3/4 है और इस दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है वो आपको बतानी होगी। आगे चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, ये जो लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो ये लिंक है site.google.com/site इच्छा सेंटर ऑफ एजुकेशन, इस लिंक पर आप जाकर मेरे जो भी PDF है वो आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सारे वीडियो PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इस लिंक पर आप चले जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि सर आप PDF डाल ही नहीं रहे हैं, तो मैंने इसलिए इस वेबसाइट पर PDF डाल दिया है ताकि आप आसानी से इस वेबसाइट में से जाकर PDF अपना डाउनलोड कर लें। आगे चलिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है वो 22 दिसंबर को होता है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। कुछ प्रश्न पिछले वीडियो से लिए गए थे जिन्हें मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है। जैसे और भी जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, मैंने उस वीडियो को दोहराने का काम नहीं किया है। मैंने जो नया नया क्वेश्चन सिर्फ जो मुझे मिले हैं वही, इसलिए आप सब सारे साक्षात्कार जितने भी इंटरव्यू के वीडियो मैंने बनाया है वो सब रिवाइज करते रहिए, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिससे आप लोगों को आसानी हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर अपने फ्रेंड्स में कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा। आगे एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जो नए लोग हैं वो लोग जरूर से जरूर लाइक ये सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन का आइकन दबाएं ताकि आप तक आसानी से वीडियो पहुँच पाए। धन्यवाद।